एक्शन। सबसे पहले तो मुझे एतराज है आपकी आवाज में बढ़ती हुई इस बदतमीजी से, और वो भी तब जबकि ये केस इतना सीधा और सरल नहीं है जितना आप इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 9 दिसंबर, अगर उस दिन हालात ऐसे पैदा ना हुए होते कि मुझे मजबूरी में ये डील करना पड़ता तो मिस्टर विजय जायसवाल, आप और आपके क्लाइंट मेरे ऑफिस की चौखट भी पार नहीं कर सकते थे। आई एश्योर यू दैट। उसने 200 करोड़ रुपए की डील, जायदाद की पावर ऑफ अटॉर्नी उस शख्स के नाम कर दी जो यहां भरोसा जीतने नहीं भरोसा तोड़ने की नियत से आया था। उस जायदाद की कीमत 200 करोड़ रुपए थी, ठीक है, यहां तक तो सब कुछ कानूनी तौर पे भी पक्का था, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद 4 ही दिन बाद उसमें से 50 करोड़ रुपए निकाल दिए गए। चलो ये भी ठीक था, लेकिन उसके 6 दिन बाद से मेरा क्लाइंट गायब है। हो सकता है उसकी मौत हो गई, लेकिन उसका वकील होने के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं उसकी जायदाद की देखभाल करूं। इसलिए मिस्टर जायसवाल, मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने क्लाइंट को कहिए कि वो 50 करोड़ रुपए का हिसाब लेकर यहां आ जाए, वरना अगर मामला अदालत में चला गया तो बहुत से लोग बहुत जल्द जेल में होंगे